और फिर मैंने अपने फ्रेंड्स से बात की, सर टीचर से बात की, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इम्पेटस गुरुकुल सबसे बेस्ट है। तो मैंने ये सर का ऑनलाइन बैच लिया था अगस्त में। फिर मैंने कि अरे ये तो इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आ गया, अरे इतना ईजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन आए तो एकदम सर क्या करते हैं आपके अंदर सेल्फ बिलीफ लाते हैं कि नहीं आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। अरे लोग कहेंगे तब ना जब आपका नहीं होगा। बिना डरे बिना कुछ भी किए बस पॉजिटिवनेस के साथ आप एग्ज़ाम दीजिए। तो वहीं पे सिर्फ 1 मिनट का या 30 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए। थोड़ा सा पैनिक होने लगा तो सर की बात याद है कि चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, आकाश से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 234 है, जो कि वाराणसी यूपी से हैं और इन्होंने ड्रॉप ईयर के साथ ये रैंक अचीव की। तो आकाश सबसे पहले तो आपको इस रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और आकाश आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी में चाहूंगा वो बताएं आप, पहले तो कब सोचा, फिर जब आपने निमसेट फाइनल ईयर के साथ नहीं आपने दिया था एग्जाम की नहीं वो बताएं, और फिर आपने ड्रॉप का जब मन मनाया तो कैसे पढ़ाई की और किस तरह से पूरे साल आपने अपने आप को तैयार रखा। सर मैं लास्ट ईयर में था तो मेरा एक फ्रेंड अनिकेत, उसने मुझे सजेस्ट किया था कि एक निमसेट एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू NITs में डायरेक्ट एडमिशन होती है। तो NITs का नाम सुनते ही मेरे मन में ये आ गया कि नहीं इसको तो करना ही करना है, क्योंकि BCA के बाद मेरे पास ऑप्शन था MCA का ही, और MTech के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन मेरे टीचर्स ने बताया कि MTech तभी होगा जब 4 ईयर की ग्रेजुएशन होगी। तो मैंने उस साल 2 महीने की तैयारी से निमसेट का एग्ज़ाम दिया था। तो 7000+ कुछ रैंक्स आई थी। तो मैंने सोचा था कि ठीक है कोई नहीं। एक और तेजपुर यूनिवर्सिटी का मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो वहाँ पे मेरा एडमिशन लगभग हो ही गया था, एडमिशन हो गया था। तो मेरे फाइनल ईयर की एग्ज़ाम्स नहीं हुए थे, इस वजह से मेरा वहाँ पे एडमिशन कैंसिल हो गया। तो लास्ट में अगस्त में मैंने सोचा कि नहीं अब ड्रॉप ले ही लेते, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। और क्या कहते हैं कि तेजपुर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं हुआ, अब ड्रॉप लेके NIT के लिए पूरा फोकस डालते हैं। और फिर मैंने अपने फ्रेंड्स से बात की, सर टीचर से बात की, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इम्पेटस गुरुकुल सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो लगातार कंटिन्यूसली क्वालिटी के साथ पढ़ाई की वहाँ की जाती है। और वहाँ के टीचर्स इतने पढ़ाते तो बहुत अच्छा हैं, लेकिन वो जो गाइडेंस देते हैं ना, वो जो सेल्फ मोटिवेशन अंदर से जगाते हैं कि वो पॉजिटिवनेस, आप चाहे घर पे रहें चाहे क्लासरूम में रहें, वो पॉजिटिवनेस हर जगह आएगी। आप चाहे ऑनलाइन क्लास लें चाहे ऑफलाइन क्लास लें, ये इन्वायरमेंट कहीं डिफरेंस आएगा ही नहीं आपको। तो मैंने ये सर का ऑनलाइन बैच लिया था अगस्त में। फिर मैंने धीरे धीरे प्रिपेयर शुरू किया था अपना। फिर यहाँ की सबसे अच्छी ये लगी कि जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट ऐसे लेवल पे होते हैं जहाँ कोई और सोच भी नहीं पाएगा, कि मतलब ऐसे ऐसे लेवल पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस वजह से सर प्रिपेयर हम लोग को पहले से ही कर देंगे कि जब फाइनल एग्ज़ाम हो तो उसमें लड़का घबराए नहीं कि अरे ये तो इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आ गया, अरे इतना इजी क्वेश्चन। तो इजी क्वेश्चन भी आ जाए तो उसमें संभलना है। सर का एक एग्जाम्पल बेस्ट है कि खाली रोड पे तेज भगाने में एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ईजी क्वेश्चन आएँ तो उसमें बहुत ज़्यादा संभलना है। हार्ड क्वेश्चन आएँ तो एकदम काम माइंड हो जाना है, पीस एकदम अपने आप को ले लेना है कि नहीं बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, इसमें कोई हमसे आगे जा ही नहीं सकता। तो इसी माइंडसेट के साथ मैंने हम पढ़ते गए और एनालिसिस तो बहुत अच्छे लेवल पे होती है, और यहाँ के अलावा और कोई एनालिसिस हो भी नहीं पाएगा जहाँ तक लगता है। और एनालिसिस सर के साथ साथ जितना आप खुद करेंगे वो ज़्यादा बेनिफिट्स लाता है। और सर क्या करते हैं आपके अंदर सेल्फ बिलीफ लाते हैं कि नहीं आप एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। तो लास्ट में जाते जाते आपको सेल्फ बिलीव आ ही जाएगा, चाहे 15 दिन बचे 20 दिन बचे, थोड़े थोड़े स्ट्रेस आते जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप सर का स्पेशल सेशन सुनेंगे तो आपको एकदम सारे डाउट्स क्लियर किया, अरे नहीं क्या फालतू का स्ट्रेस ले रहे हैं, क्या है सर का है ना एग्जाम्पल कि आपके पास 1 कंडाल दूध है, उसमें हम 1 बूंद नींबू गार दीजिए तो वो पूरा दूध फट जाएगा। तो मतलब आप पूरी 1 साल के अपने प्रिपरेशन पे आप थोड़े से वही स्ट्रेस, अरे यार क्या होगा, नहीं हो पाएगा, लोग क्या कहेंगे, अरे लोग कहेंगे तब ना जब आपका नहीं होगा। पहले आप तो अब एग्ज़ाम दीजिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं देंगे तब तक आप कैसे सोच लेंगे कि लोग क्या कहेंगे, अरे लोग अच्छा ही कहेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम निकलेगा। इस थॉट के साथ मैंने भी आगे पढ़ता गया, हम आगे पढ़ते गए और सर के सारे बातों को सुनते गए। सर अगर पढ़ाएं तो ठीक, बहुत अच्छी बात है, वो पढ़ाते ही हैं, लेकिन वो जो अलग से आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे आप अपने माइंड को पीस रख सकते हैं, कैसे मेंटल हेल्थ को अच्छे से बना के रख सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती हैं इस टाइम के प्रिपरेशंस में, इस टाइम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, क्योंकि मेंटल हेल्थ जितना आपका स्ट्रांग रहेगा उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम ड्यूरिंग में आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। आकाश, आपने बहुत अच्छी बातें बता दी। बिल्कुल सच बात है कि हमारा एक नेगेटिव थॉट पूरी मेहनत को खराब कर देता है। और दूसरी सबसे अच्छी बात बोली, जो लोग डरते लोग क्या कहेंगे, पर बात बिल्कुल सही है कि लोग जब ही कहेंगे जब रिजल्ट बिगड़ेगा, पर लोग अच्छा ही कहेंगे क्योंकि रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है। ये पॉजिटिवनेस हमेशा रहनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? वैसे तो आपने इतना कुछ एक ही बार में बता दिया कि अब सब कुछ हो गया, फिर भी कुछ एक स्पेशल टिप्स जरूर दो मैं चाहूँगा। सर, स्पेशल टिप्स यही होगा कि आप जितना जल्दी हो सके इम्पेटस को फॉलो करिए, जितना जल्दी हो सके किसी भी कोर्स से जुड़ जाइए, किसी भी कोर्स से। और आपके ऊपर हमेशा फैमिली का सपोर्ट रहेगा, उनका आशीर्वाद रहेगा, सर का आशीर्वाद रहेगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बिना डरे, बिना कुछ भी किए, बस पॉजिटिवनेस के साथ आप एग्ज़ाम दीजिए। एग्जाम हॉल में भी मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एग्जाम हॉल में भी अगर आपका पेपर थोड़ा सा डाउन होता है, जैसे आप मॉक दे रहे हैं, थोड़ा सा पेपर आपको लगता है कि नहीं मेरा पेपर खराब जा रहा है, तो वहीं पे सिर्फ 1 मिनट का या 30 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए, रुक जाइए, पानी पीजिए, क्योंकि वो 1 मिनट अगर आप संभाल लिए तो आप अगले 50 मिनट, अगले 40 मिनट, जितने भी मिनट आपके बचे होंगे, अब तो सेक्शनल पेपर हो गया है, तो जितने भी मिनट बचे होंगे ये पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था कि स्टार्टिंग में 10 मिनट थोड़ा सा पैनिक होने लगा, तो सर की बात याद है कि तुरंत रुकना है, उस टाइम पैनिक होना है, तो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होना कि नहीं NIT त्रिची तो गई, NIT वारंगल तो गया, ये सब कुछ नहीं सोचना है। तुरंत रुकना है, एकदम आंख बंद करके कुछ नहीं सोचना है, पानी पीना है, तुरंत फिर से लग जाना है और एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ये स्ट्रेटेजी सर ने बताई थी और ये स्ट्रेटेजी मेरे दिमाग में थी, इस वजह से मेरा 234 रैंक आया। सिर्फ सर ने इतना अच्छा गाइडेंस दिया और मेरे मम्मी और पापा का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, उन्होंने ही बहुत बढ़ चढ़ के मुझे सपोर्ट किया है, जिस वजह से मैं हमेशा आगे अच्छे परफॉर्म करते जाता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे फैमिली को भी डिजर्व करता है ये रैंक। थैंक यू सर। आपके साथ आपके फ्रेंड है सर? फ्रेंड है, तो मैं चाहूँगा आप भी आओ। तो क्या नाम है आपका? सनी कुमार सिंह सर। सनी कुमार, तो आपको आकाश की अब सिलेक्शन हो गया है। yes, आप इसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो सबसे पहले तो आपको भी इस बात के लिए बधाई। आप ये बताइए कि आप आकाश के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने साल भर जो पढ़ाई की ड्रॉप लेके उसमें किन किन चीज़ों को अवॉइड किया और क्या आप इसके बारे में अच्छी क्वालिटी बताना चाहोगे? सर, जहाँ तक मैं इसको जानता हूँ ये बहुत अच्छा फ्रेंड है, सबसे अच्छा मेरा ये फ्रेंड है। और ये इस पेपर के लिए इतना ज़्यादा पागल था कि जब फर्स्ट टाइम दिया एग्जाम तो उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, क्योंकि रैंक बहुत ज़्यादा आ गया था, जिसके वजह से वो ड्रॉप लेना चाहा। ड्रॉप लेने के बाद सारे फ्रेंडों से कंसल्ट किया कि भाई क्या किया जाए इसके बाद, तो सब ने डिसीजन किया कि भाई देखो ड्रॉप लो, अच्छे से करो, फिर तुम निकालोगे। सबका भरोसा था कि ये अगर इस साल ड्रॉप लेगा उसके बाद ये कंफर्म है ये निकाल लेगा, इसलिए हम लोग बहुत हमेशा इसको प्रेशर करते कि नहीं तुम ड्रॉप लो, जाओ अच्छे से पढ़ो और थोड़ा अलग रह के पढ़ो कि पूरा फोकस आपको पढ़ाई पर रहे। इसकी वजह से ये पूरा यही निकाल पाया अपना। बिल्कुल सही बोला आपने। तो देखो आपके पास कितना अच्छा दोस्त है, आज आपके साथ आया। आपके साथ मम्मी पापा नहीं आ पाए होंगे। yes, पर आज आपका फ्रेंड आपके साथ है, तो एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।